इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण और मेरे चैनल इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पर आप सभी का स्वागत है। और ये है मेरी एक छोटी सी बालकनी जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे फूल हैं, और इन फूलों के बीच में मुझे इस वीडियो को शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। शाम के एग्जैक्टली 6 बज रहे हैं और सूरज हल्का हल्का ढलते हुए जो रोशनी मेरे चेहरे पर दे रहा है ना, बस पूछिए मत, मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मत पूछिए। और इस खुशी के माहौल में ही कुछ वीडियोस की रिक्वेस्ट मुझे हमेशा आती रहती है, जिनमें से एक है कि मैं VLCC के कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊं। तो मैंने सोचा कि माहौल अच्छा है, इतना सुहाना मौसम है, तो एक अच्छा जो रिक्वेस्टेड वीडियो है वो तो बताइए, राइट। तो चलिए फिर आज मैं आपको बताऊँगी VLCC के बेस्ट प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी VLCC के इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच के बारे में। इसे मैं बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ, 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में एक बार ब्लीच मैं करती हूँ। और उन सब चीज़ों के लिए VLCC के जो ब्लीचेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, और इनमें और भी वेरिएंट आते हैं, पर ये जो इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच है ये परफेक्ट है स्किन के ऊपर की टैन को रिमूव करने के लिए। और साथ ही साथ जो हमारे फेशियल हेयर्स होते हैं ना, उन सारे हेयर की भी जो कलर है उसे अपनी स्किन की तरह लाने के लिए ये ब्लीचेस बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपने अभी तक VLCC का कोई भी ब्लीच ट्राई नहीं किया तो एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। और कम से कम 20-25 दिनों तक आपके स्किन पर इसका रिज़ल्ट आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि है VLCC का ये डायमंड फेशियल किट। इसे मैं कुछ फेस्टिवल सीजन वगैरह होता है ना, जैसे अभी आने वाले हैं गणेश उत्सव, उसके बाद दुर्गा पूजा, उसके बाद दिवाली, तो उन सारे फेस्टिवल सीज़न के पहले मैं इसे पक्का यूज़ करती हूँ। अगर आप मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको VLCC का जो फेशियल प्रोडक्ट्स के रिव्यू है वो मिल जाएंगे। आई थिंक मैंने 2 बार इनके रिव्यू किए हैं। इनका जो भी रिज़ल्ट है ना मेरे स्किन पर, तो बहुत ही बेहतरीन दिखता है, और इसका जो रिज़ल्ट है लगभग 10 से 12 दिन तक रहता है, जो कि एकदम बेस्ट पार्ट होता है। और उससे भी अच्छा है कि आपको पार्लर जाकर इतना टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ता, और साथ साथ इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं बर्बाद करने पड़ते। और ये बहुत ईजी टू यूज़ है, इसे कैसे यूज़ करना है ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद आप मुझे हमेशा पूछते हैं कि किरण मुझे कुछ ऐसा फेस वॉश बताइए कि वो हम रेगुलरली या डेली यूज़ कर सके, और उसके लिए मैं आपको बताऊंगी VLCC का ये नेचुरल फेयरनेस डबल एक्शन चंदन एंड केसर वाला फेस वॉश। ये पैराबिन फ्री है और सोप फ्री फॉर्मुलेशन है इसके अंदर, और इसकी जो खुशबू है ना चंदन और केसर वाली, सच्ची में इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना कि पहली बात जैसे ही मैं प्रोडक्ट खोलती हूँ इसकी खुशबू सच्ची में एकदम मनमोहक है। और ये जेल कंसिस्टेंसी में आती है, और अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, नो वरी, क्योंकि आप हर एक स्किन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि इसके अंदर है चंदन और केसर, और दोनों ही चीज़ स्किन की जो स्टोन होता है उसे अच्छा करने के लिए माना जाता है। सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और बेस्ट है डेली यूज़ के लिए। और साथ ही साथ इसके पीछे भी बहुत अच्छे अच्छे इसके क्लेम्स लिखे गए हैं, सो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, आई एम श्योर कि आपको पक्का पसंद आएगा। उसके बाद मैं बात करूंगी VLCC आलमंड नरिशिंग बॉडी लोशन SPF 15। ये आलमंड वाला बॉडी लोशन है, और मैंने इसे रिसेंटली ट्राई करना चालू किया, यूज़ करना चालू किया, लगभग 2 या 3 दिनों से ही यूज़ किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही क्रीमी है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे वॉटरी भी नहीं है, और ईजीली ब्लेंड हो जाता है। देख सकते हैं आप, मैंने सेकेंड्स में अपनी स्किन के ऊपर इसे ब्लेंड कर लिया है, और दोनों भी स्किन में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये बहुत मॉइस्चराइज लग रही है और ये अभी भी रूखी सूखी लग रही है, और कलर का भी डिफरेंस देख सकते हैं। और इसकी जो खुशबू है ना, यू फील लाइक कि आप अपना हाथ खा लो, मतलब एक डेजर्ट टाइप की
मनमोहक वाले खुशबू है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब आपकी स्किन बहुत लंबे समय तक हाइड्रेट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, आपको बार बार बॉडी लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं आती। और आप इसे धूप में जाने से पहले भी लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर है SPF 50। और अगर आप एक परफेक्ट बॉडी लोशन देख रहे हैं ना, इसे पक्का ट्राई करना चाहिए, पक्का। मतलब बोलते हैं ना यार, मुझे परफेक्ट बॉडी लोशन आज तक नहीं मिला, यहाँ पर आपकी जो भी सर्च है ना वो आकर ख़त्म होगी, आप इतना बोल सकते हो। क्योंकि मैं इससे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे नहीं पता था कि VLCC के बॉडी लोशन इतने बेस्ट है। सो एक बार देखिएगा ज़रूर। उसके बाद ये है VLCC का काजल और ये है कैम्फर के साथ। आपको कैम्फर पता ही होगा, कपूर। कपूर क्या कहता है, हमारी आँखों को ठंडक देता है। और VLCC का ये जो काजल है, इसका मैं छोटा सा आपको स्वैच यहाँ पर दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है, सी कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। और ये परफेक्ट है एवरीडे यूज़ के लिए, या फिर आप रात में ना सोने से पहले थोड़ा सा काजल लगाकर सो जाइए, और जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपकी आँखें जो है ना इतनी खूबसूरत लगेंगी, नेचुरल ऐसे लगेगा कि आपकी आँखों में काजल लगा हुआ है, इतनी खूबसूरत। ये मेरा ट्रिक है जो कि मेरी दादी ने मुझे बताया था कि रात में सोने से पहले थोड़ा सा काजल लगाकर सो जाओ, आँखें सुबह बहुत ब्यूटीफुल लगती है। सो ये वैसा काजल है जो कि एकदम नेचुरल टाइप का है, घरेलू टाइप का है, बहुत ही इसकी अच्छी कैम्फर वाली एक खुशबू भी है, आँखों को ठंडक देती है। जैसे अगर हम बाकी काजल लगाते हैं तो वो तो बस एक मेकअप का तरीके के लिए हम लगाते हैं, बट आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके आँखों के लिए ठंडक पहुँचाए और आपकी आँखों को और एनहांस करे, सो VLCC का काजल उनमें से एक है। और इतनी क्यूट सी पैकेजिंग आती है तो काफ़ी, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। अब मैं बात करूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसे मैंने यहाँ पर पीछे रखा हुआ है, जो कि है VLCC का सैंडल क्लिनजिंग मिल्क। और मैं बता दूँ, इसे मैं बहुत सालों पहले भी इस्तेमाल करती थी, आई थिंक 4 साल पहले, और तब और कोई क्लिनजिंग मिल्क मार्केट में ज़्यादा आते नहीं थे, तब मैं इसे यूज़ करती थी। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है और ये एकदम, मतलब ऐसे अलग ही क्लिनजर है। जैसे मैंने यहाँ पर काजल लगाया है, अब मैंने इसे यहाँ, ओह ज़्यादा गिर गया होता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाइप आउट कर लेती हूँ। और अभी देखिए ये क्लिंजर है और मैं इससे आपको साफ करके दिखाऊंगी। एक वाइप में ये साफ हो चुका है, इतना अच्छा क्लिंजर है। मैंने जो कि आपके सामने किया, एक वाइप में इस क्लिंजर ने साफ़ कर लिया। तो ये है सैंडल क्लिंजिंग मिल्क और डीप क्लीन करता है, स्किन को ठंडक देता है और साथ ही साथ नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप मेकअप रिमूवर वगैरह पसंद नहीं करते, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और आपको वो क्लिंजर वगैरह पसंद नहीं आता यूज़ करना, सो ये वाला क्लिंजर आपको पक्का यूज़ करना चाहिए। ये एक ऐसी कंसिस्टेंसी में आता है ना, जैसे आपको लगेगा कि आप क्रीम लगा रहे हो, पर ये है क्लिंजर। क्लिंजर के बाद ऑब्वियसली हम लोग फेस वॉश करते हैं और उसके बाद आपको यूज़ करना चाहिए ये रोज़ वाटर। VLCC का रोज़ वाटर है, जिसे आप एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप अपने फेस पैक में भी डाल सकते हैं। और इस समय जो माहौल है ना, बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको दिखाऊंगी। पर ये जो VLCC का रोज़ टोनर है, ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये ओपन पोर्स को बंद करने का काम करता है, साथ ही साथ स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखता है, और उसके अलावा स्किन का जो pH बैलेंस है उसे भी ठीक कर रखता है। सो आपको क्या करना है, जब भी आपकी स्किन एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए, फ्रेश हो जाए, बस इस रोज़ को यहाँ पर, रोज़ वाटर को इसमें डालिए कॉटन में, और उसके बाद मैंने गिरा दिया, उसके बाद बस ऐसे वाइप आउट कर लीजिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इसकी खुशबू एकदम प्योर रोज़ लगता है, एकदम प्योर, ऐसा लगता है कि सच्ची में आप रोज़ यूज़ कर रहे हो। तो बस मैं आपको इतना बोलूँगी कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए, जिसे हम एक्चुअली यूज़ नहीं करते हैं,
टोनर को हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, पर बिलीव मी एक बार आप ट्राई करिए, अपने शेड्यूल में अपने रूटीन में लाइए, उसके बाद आप अपनी स्किन पर एक मैजिकल डिफरेंस देख पाएंगे। उसके बाद मेरे पास है VLCC का ये हनी मॉइस्चराइज़र। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है, स्मूथ करता है स्किन को और बहुत ही सफल करता है। हनी आपको पता होगा एक एंटी एजिंग वो माना जाता है, इंग्रेडिएंट माना जाता है। हनी की जितनी भी बेनिफिट्स की बात की जाए वो कम है। और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पिंकिश ग्लो कलर का है और खुशबू इसकी बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही सूदिंग है, कामिंग है और काफ़ी क्रीमी है। थोड़ा सा जो लोशन है ना वो ऐसा रनी टाइप का है, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम थिक टाइप का है, तो ड्राई स्किन के लिए तो एकदम परफेक्ट है। और देखिए कितने इजीली ये मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, विदाउट लाइक ज़्यादा मुझे वो नहीं करना पड़ा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और ये हो चुका है, नाइसली हो चुका है। सच में इसकी खुशबू, जो माइल्ड माइल्ड खुशबू है ना, बहुत अच्छी है। और आप मेरे स्किन पर डिफरेंस देख पाएंगे, ये जो स्किन है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हाइड्रेट लग रही है कंपेयर टू दिस स्किन, राइट। सो ओवरऑल ये सारे जो VLCC के प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे फेवरेट हैं, मैं इन्हें यूज़ करती हूँ अपनी लाइफ में, तो इसीलिए मैं आपको इतने अच्छे से इनके बारे में बता पा रही हूँ। और VLCC के प्रोडक्ट की एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे नहीं है, बजट में आते हैं, बजट में आपकी स्किन को अच्छा बनाते हैं, उससे अच्छा क्या है, राइट। और जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए वो सारे ही बहुत कन्विंसिंग है, वो सारे ही हमारे स्किन के लिए परफेक्ट लगते हैं, लगता ही नहीं है कि नहीं यार ये हमारी स्किन के लिए नहीं, किसी और की स्किन के लिए बने, ऐसा तो लगता ही नहीं है। सो इनकी जो भी लिंक है वो परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, साथ ही साथ एक कूपन कोड भी दिया है, अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल सकता है। अगर आप परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है साथ ही साथ एक कूपन कोड भी दिया है अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल सकता है। अगर आप VLCC के प्रोडक्ट ख़रीदने वाले हैं तो एक बार कूपन कोड पक्का यूज़ करिएगा, आपका फ़ायदा ही होगा, राइट। तो आई रियली होप कि आपको ये एक वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, रिव्यू है, अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का शेयर करिएगा, आई वुड लव टू नो योर व्यूज़ एज वेल, ओके। सो चलिए फिर मिलती हूँ आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले मैं आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगी।